वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है फ्रेसनल बाय प्रिज्म। जल्दी से अपनी नोटबुक खोल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए आज की टॉपिक की, फ्रेसनल बाय प्रिज्म। इसका हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं विद प्रॉपर नोट्स, और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेनी ऑफ टाइम यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। सो आई रिपीट अगेन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्पज। और स्टूडेंट्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो, शेयर करो, ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का प्रॉफिट मिल पाए। ओके, सो फ्रेसनल बाय प्रिज्म की हम बात करते हैं। इससे पहले हमने अभी तक स्टडी करा है, इससे प्रीवियस लेक्चर की मैं बात कर रही हूँ बेटा। यहाँ पे हम वहां पर डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कोहरेंट लाइट शॉट्स, और उसके टाइप्स के बारे में भी हमने देखा कि दो टाइप थे वहां पे, वन इज द स्पेशल एंड सेकेंड इज द टेम्परल, देखा था ना। सो नाउ फ्रेसनल बाय प्रिज्म है क्या? ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे हम कोहरेंट लाइट सोर्सेस को बना सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे कोहरेंट लाइट सोर्सेस को प्रोड्यूस कैसे करें, उनको किस तरह से बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहरेंट शॉट्स। क्या है ये मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहरेंट लाइट सोर्स या कोहरेंट लाइट सोर्स? और वो ही टॉपिक है जो हम लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर रहे थे, बट इट्स अ प्रोसेस कि कोहरेंट लाइट सोर्स को किस तरह से बनाया जाए। ओके, प्रोड्यूसिंग की हम बात करें, कोहरेंट लाइट सोर्सेस को दो तरह से या फिर टू टाइप से बनाया जा सकता है। द फर्स्ट इज बाय द डिविजन ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट क्या है? बाय द डिविजन ऑफ वेव फ्रंट। एंड द सेकेंड इज बाय द डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड। बाय द डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड बाय द डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड, इस टॉपिक का हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, और इसके सभी लेक्चर आपको ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल पे जाना और ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट आप सर्च आउट करना, वहां पर आपको बाय द डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड, हमने यहाँ पे मेन्यू टॉपिक्स का यहाँ पे स्टडी किया है। सो नाउ द बाय द डिविजन ऑफ वेव फ्रंट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पे दो टॉपिक का स्टडी करना है। द फर्स्ट इज फ्रेसनल बाय प्रिज्म, द फर्स्ट इज फ्रेसनल बाय प्रिज्म, एंड द सेकेंड टॉपिक इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और दोनों ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, दोनों की ही अपनी एक इम्पोर्टेंस है आपके एग्जाम के पर्पज से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से उठाएंगे फ्रेसनल बाय प्रिज्म। कौन सा टॉपिक उठा रही हूँ बेटा मैं यहाँ से? फ्रेसनल बाय प्रिज्म। ओके, सो आपको हेडिंग क्या डालनी है? फ्रेसनल बाय प्रिज्म हेडिंग डालनी है। इस टॉपिक से पहले आप क्वेश्चन देखिए कि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनता है, और लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है, 7 से 8 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है देखो, डिस्क्राइब द फ्रेसनल बाय प्रिज्म मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग टू वर्चुअल कोहरेंट लाइट सोर्सेस को प्रोड्यूस करने के लिए आपको फ्रेसनल बाय प्रिज्म मेथड को डिस्क्राइब करना है, एंड फाइंडिंग द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। हम इसके अंदर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज में लेके चलते हैं, उसकी आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है। इट मीन इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ फ्रेसनल बाय प्रिज्म। ओके, एंड गिव द नेसेसरी फॉर्मूला, और इसके लिए एक नेसेसरी फॉर्मूला आपको यहाँ पे डेराइव करना है। तो बेसिकली हमें स्टडी क्या करना है, फ्रेसनल बाय प्रिज्म का कंप्लीट हमें स्टडी करना है। हम इसमें इंट्रो की बात करेंगे, हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, वर्किंग प्रोसेस की बात करेंगे, और एप्लीकेशन की भी बात करेंगे। एप्लीकेशन की मैं बात करूँ, बाय यूजिंग द फ्रेसनल बाय प्रिज्म वी डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स की हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, और इसके साथ साथ ही बाय यूजिंग द फ्रेसनल बाय प्रिज्म हम ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म का थिकनेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों ही एप्लीकेशन पार्ट रहेंगे किसके, फ्रेसनल बाय प्रिज्म के, और एप्लीकेशन पार्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है, और आपने देख ही लिया है अभी फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फ्रेसनल बाय प्रिज्म मेथड को आपको डिस्क्राइब करना है, और इसके साथ साथ ही फाइंडिंग द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का आपको वेवलेंथ भी कैलकुलेट करना है, और इसका एक फॉर्मूला है उसको डेराइव करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में स्टडी क्या क्या करना है समझ आ गई, बात पकड़ आई? फ्रेसनल बाय प्रिज्म होता क्या है उसका इंट्रो देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे, इसके साथ साथ ही एप्लीकेशन की बात करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन आपका रहेगा डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, और सेकेंड आपको यहाँ पे रहेगा कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म। ठीक है, सो कर दें हम इरेज।
कर दे। ओके देखो, अब फ्रेसनल बाइप्रिज्म क्या है ये। बाय यूजिंग द फ्रेसनल बाइप्रिज्म वी प्रोड्यूस टू वर्चुअल कोहेरेंट शॉर्ट्स बाय यूजिंग अ सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। है क्या देखो फ्रेसनल बाइप्रिज्म। फ्रेसनल बाइप्रिज्म एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसको यूज में लेके हम टू वर्चुअल कोहेरेंट लाइट सोर्सेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक सिंगल सोर्स लेना है, उसको यूज में लेके हम टू वर्चुअल कोहेरेंट लाइट सोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है क्या? नाम से ही समझ आ रहा होगा, फ्रेसनल बाय प्रिज्म। इट मीन आपको इसके अंदर बाय प्रिज्म यूज में लेना है और ये वर्क करता है ऑन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके फिनोमिना पे वर्क करता है ये? रिफ्रैक्शन के फिनोमिना पे वर्क करता है। तो सबसे पहले आप इसके इंट्रो पार्ट में क्या लिखोगे? इंट्रो पार्ट में लिखो आप, इट इज अ ऑप्टिकल डिवाइस। इट इज अ ऑप्टिकल डिवाइस विच यूज्ड टू प्रोड्यूस टू वर्चुअल वर्चुअल अच्छे से लिखना, वर्चुअल कोहेरेंट लाइट सोर्स, कोहेरेंट लाइट सोर्स बाय यूजिंग सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ओके, एंड इट वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ वर्क वर्क बेटा ये इट एंड इट इज वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ इंटरफ्रेंस एंड एंड यूज वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म ऑफ स्मॉल रिफ्रैक्टेड एंगल। सब समझाऊंगी मैं, पहले आप थोड़ा सा एक इंट्रो लिखो। एंड यूज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म ऑफ स्मॉल रिफ्रैक्टेड एंगल प्लेस्ड बेस। देखो ये तो पता लग गया हमें कि ये ऑप्टिकल डिवाइस है जिसको यूज में लेके हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से दो वर्चुअल कोहेरेंट लाइट सोर्सेस बना सकते हैं। ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, ये भी बात समझ आ गई कि ये रिफ्रैक्टेड ऑफ लाइट के फिनोमेना पे वर्क करता है। ठीक है, और इसके अंदर हम यूज में लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। हमें दो प्रिज्म को यूज में लेना है जिन्हें बेस टू बेस रखना है। कैसे? इधर देखो, लाइक दिट, ये मेरे पास एक प्रिज्म है। ठीक है, और मेरे पास ये एक अनोदर प्रिज्म है। ये इस तरह से मेरे पास दो प्रिज्म है, दे आर टू प्रिज्म। अब बेटा मुझे इनको इस तरह से ज्वाइंट करना है। कैसे? प्लेस करना है बेस टू बेस। इन दोनों को इस तरह से ज्वाइंट करना है या इन दोनों को कंबाइन करना है कि मेरे पास एक सिंगल बाइप्रिज्म बन जाए। कैसे? मैं इसको बेस टू बेस यदि प्लेस करूं लाइक दैट, मैंने क्या करा, इन दोनों को बेस टू बेस प्लेस करा है। इसके ये जो बेस है इसके बेस को मैंने इसके बेस पे रख दिया। यदि आप इसके बेस को इसके बेस पे रखोगे तो आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, मिलेगा ना। एंड दिस इज बाइप्रिज्म, दिस इज बाई प्रिज्म, और इसी को हमें यूज में लेना है इन दिस एक्सपेरिमेंट। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे मैं एक नाम दे रही हूँ एम, बेस जो है वो ए एम है। जैसे ही आप इसके बेस को बेस से ज्वाइंट करके बाइप्रिज्म बनाते हो तो इसका एंगल होता है प्रिज्म एंगल 179 डिग्री का, और ये जो अनोदर एंगल है इन्हें हम रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे। यहाँ पे जो एंगल बी है और एंगल सी है वो होता है आपका हाफ डिग्री। ओके, और ये जो एंगल ए है वो होता है 179 डिग्री। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ये क्या है आपका? प्रिज्म एंगल। और ये जो दोनों एंगल है एंगल बी एंड एंगल सी जो कि बहुत स्मॉल है, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे इसे? रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो इसको यूज में लेके हमें बेसिकली टू कोहेरेंट सोर्सेस बनाने हैं। तो इधर देखो, थ्योरी में कोई डाउट है क्या आपको? किस तरह से आपको इंट्रो में लिखना है? इट इज अ ऑप्टिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वर्चुअल कोहेरेंट लाइट सोर्सेस बाय बाय
यूजिंग ए सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट शोज एंड इट इज वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस. इट इज वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ द इंटरफेरेंस एंड इन दिस वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म ऑफ स्मॉल रिफ्रैक्टेड एंगल प्लेस्ड बेस टू बेस. हमें किस तरह से रखना है इनको, बेस टू बेस रखना है. ये बात पकड़ आई क्या, बेस टू बेस कैसे रखना है? एक प्रिज्म के बेस पे दूसरे प्रिज्म के बेस को रखना है ताकि वो एक बाइप्रिज्म बना दे. और ये प्रिज्म किस तरह से बनेगा कि इसका जो प्रिज्म एंगल है वो 179 डिग्री का रहेगा और इसकी जो अनोदर एंगल है वो हाफ डिग्री के रहेंगे. ठीक है, ये समझ आ गया हो तो हम आगे बढ़े कि किस तरह से हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप का स्टडी करना है और वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगा. तो कर दे क्या हम इसको इरेज, देखो अब आगे. नाउ अब इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं. देखो यहाँ पर हमने क्या क्या यूज में लिया है. एस एस यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिसे हमने प्रिज्म के एंगल, कौन सा एंगल, प्रिज्म एंगल के जस्ट सामने रखा है. ठीक है, प्रिज्म एंगल के जस्ट सामने रखा है और एक हमने बाई प्रिज्म यूज में लिया है ए बी सी जिसका बेस है ए एम. ओके, और एक स्क्रीन हमने यूज में ली है एक्स वाई जिसे जिस पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न को या फिर रिफ्रैक्टेड रेस को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, सबसे पहले एस से लाइट रेस इंसिडेंट होगी किस पे, प्रिज्म पे. अब किस तरह से हमें यहाँ पे स्टडी करना है इस प्रिज्म के, हम दो पार्ट लेकर चलते हैं. अपर पार्ट जो इस बेस से ऊपर की ओर है और लोअर पार्ट जो इस बेस से नीचे की ओर है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइट रेस को इंसिडेंट करेंगे प्रिज्म के अपर पार्ट पे, फिर प्रिज्म के लोअर पार्ट पे लाइट रेस को इंसिडेंट करेंगे, फिर उन लाइट रेस को हमें जो ऑब्जर्व हो रही है कहाँ पे, स्क्रीन पे, उसका स्टडी करना है. तो वी कंसिडर कि सबसे पहले जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है वो इंसिडेंट हो रही है प्रिज्म के अपर पार्ट पे. तो फर्स्ट रेस देखो आप किस तरह से, फर्स्ट रेस हमने ये इंसिडेंट करी अपर पार्ट पे, प्रिज्म के अपर पार्ट पे, तो ये डेविएट होके हमें स्क्रीन पर ई पॉइंट पे मिल रही है. सिमिलरली एक और अनोदर रेज हमने प्रिज्म के अपर पार्ट पे इंसिडेंट करी, तो ये जो रेज है वो डेविएट हो जाती है या फिर झुक जाती है ड्यू इस बेस की डायरेक्शन की ओर. बेसिकली यहाँ बेस की डायरेक्शन की ओर ही झुकेगी ना, तो सेकेंड रेज जैसे हमने इंसिडेंट करी है तो ये डेविएट हो जाती है या फिर हम बोले ये टिल्ड हो जाती है टूवर्ड्स द बेस, या फिर क्या बोलते हैं, बेस के डायरेक्शन में डेविएट होकर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलती है कहाँ पर, स्क्रीन पर, जिसे मैंने एच पॉइंट से रिप्रेजेंट करा है. अब देखो अपर पार्ट से ये जो दोनों रेज है, इन दोनों रेज को यदि हम स्टडी करें और इनके पार्ट को हम पीछे की ओर मिलाए तो ये इस तरह से दिखाई देती है कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज किसी एक शॉर्ट से निकल रही है. तो इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को हमने जैसे ही आगे मिलाया तो हमने S1 यहाँ पे एक शॉर्ट्स का नाम दिया है. आई रिपीट अगेन, S1 से हमने सबसे पहले स्टडी किया है अपर पार्ट से रिफ्रैक्टेड रेज का. तो फर्स्ट रेज इंसिडेंट करी थी तो वो ए पॉइंट पर हमें स्क्रीन पे मिल रही है, सेकेंड रेज हमने अपर पार्ट पे इंसिडेंट करी तो बेस की तरफ वो झुक जाती है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर चली जाती है और स्क्रीन पे हमें एच पॉइंट पे मिल रही है. इन दोनों रेज को जैसे हमने आगे बढ़ाया तो इस तरह से दिखाई देती है कि ये किसी एक सोर्स से आ रही है. सिमिलरली अब हमें लोअर पार्ट पर, प्रिज्म के लोअर पार्ट पे रेज को इंसिडेंट करवाना है. ओके, सबसे पहले हमने इस तरह से यहाँ पे सी पॉइंट पे शॉर्ट से लाइट रेज को इंसिडेंट करी तो वो हमें एफ पॉइंट पे मिलती है. एक और अनोदर रेज हमने इसी के लोअर पार्ट पे इंसिडेंट करी है तो ऑब्वियस ये बेस की तरफ झुकेगी, तो ये जो सेकेंड रेज है तो ये बेस की तरफ टिल्ड होकर हमें अपवर्ड डायरेक्शन पे स्क्रीन पर जी पॉइंट पर मिलती है. ओके, और इन दोनों ही रिफ्रैक्टेड रेज को जैसे ही हमने आगे मिलाया तो हमें इस तरह से दिखाई देती है कि किसी एक शॉर्ट से आ रही है, तो उसको हमने नाम दे दिया S2. ध्यान रखना ये S1 और S2 दोनों शॉर्ट हमें S से इक्वल डिस्टेंस पे फाइंड आउट होते हैं और इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पर बोल रही हूँ D/2. क्या बोल रही हूँ? D/2. ओके, और इस शॉर्ट्स की इस प्रिज्म से डिस्टेंस है स्मॉल a और इस प्रिज्म की स्क्रीन से डिस्टेंस है स्मॉल b और शॉर्ट्स की स्क्रीन से डिस्टेंस है कैपिटल d विच इज इक्वल टू a+b. होगा ना ये? ठीक है, बात समझ आई. अब देखो इन रिफ्रैक्टेड रेस का हम ओवरलैप फील्ड देख लेते हैं. यदि हम ओवरलैप फील्ड की बात करें
तो ये वाला जो एरिया है वो इन रिफ्रैक्टेड रेज का ओवरलैप्ड एरिया है। ये क्या है आपका? ओवरलैप्ड फील्ड है, ठीक है, ओवरलैप्ड फील्ड है। तो इस तरह से एक कोहेरेंट क्या बोलते हैं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से जो रिफ्रैक्टेड रेज को ऑब्जर्व करा, तो हमें किस तरह से फील हो रहा है कि यहाँ पे दो कोहेरेंट लाइट सोर्स है। ओके, तो इन S1 और S2 से जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो आगे सुपरपोज होके हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देती है। इंटरफेरेंस पैटर्न की हम बात करें तो इस ओवरलैप्ड फील्ड में या फिर इस एरिया में हम बात करें E और F, इस वाले एरिया में हमें इक्वल विड्थ की फ्रिंजेस फाइंड आउट होती है। इस एरिया में हमें इक्वल इक्वल विड्थ की फ्रिंजेस फाइंड आउट होती है, ठीक है, इक्वल विथ फ्रिंजेस हमें यहाँ पर फाइंड आउट होती है, ठीक है। इसके अपोजिट में बात करूं अबाउट द ई एंड बिलो द एफ पॉइंट, अबाउट द ई एंड बिलो द एफ पॉइंट हमें यहाँ पर लार्ज विथ की फ्रिंजेस फाइंड आउट होती है ड्यू टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। और ओ पॉइंट की हम बात करें तो ओ पॉइंट शोर्स S1 और S2 से इक्वल डिस्टेंस पे है। ओ पॉइंट शोर्स S1 और S2 से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो S1 और S2 से जो रिफ्रैक्टेड रेज है उनका पाथ डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा। दैट्स व्हाई हमें इस ओ पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज फाइंड आउट होती है, ब्राइट फ्रिंज फाइंड आउट होती है, मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज हमें फाइंड आउट होती है इस ओ पॉइंट पे, ठीक है। और ओ पॉइंट के बाद हमें यहीं पर ऑल्टरनेटिंग और इक्वल विड्थ वाली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस फाइंड आउट होगी। और ई से जैसे हम ऊपर गए तो ज्यादा विड्थ वाली हमें फ्रिंजेस फाइंड आउट होती है, और एफ से नीचे गए तो हमें अगेन लार्ज विड्थ वाली फ्रिंजेस फाइंड आउट होती है ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर लाइट का डिफ्रैक्शन होता है और इस एरिया में हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न फाइंड आउट होता है। तो ये वर्किंग प्रोसेस समझ आए कि किस तरह से हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेकर चल रहे थे, और इस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से हमें दो S1 और S2 वर्चुअल कोहरेंट लाइट सोर्सेस फाइंड आउट हो रहे हैं। ओके, सो नाउ ये समझ आ गया, तो अब हम इसकी थ्योरी पार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह से इसको लिखकर आना है। ओके, इरेज कर दें हम। देखो अब एग्जाम में किस तरह से हमें इसको एक्सप्लेन करना है, थ्योरी पार्ट हम देख लेते हैं। इट कंसिस्ट अ बाई प्रिज्म विथ वन ऑफ इट्स एंगल अबाउट 179 डिग्री। ये बाई प्रिज्म है ए बी सी, जिसमें ए एंगल आपका 179 डिग्री है एंड अदर टू अबाउट हाफ डिग्री ईच। यदि बी और सी एंगल की मैं बात करूं तो ये हाफ डिग्री के होंगे। एंड द प्रिज्म इज प्लेस्ड विद इट रिफ्रैक्टेड इज पैरेलल टू द लाइन सोर्स एस। देखो हमें प्रिज्म को किस तरह से रखना है कि ये जो रिफ्रैक्टेड एजेस है इसकी, बी और सी को हमने रिफ्रैक्टेड एंगल बोला था, तो ये पैरेलल रहे किसके? सोर्स एस के। ओके, लाइट फॉलिंग फ्रॉम एस ऑन द अपर पार्ट ऑफ द प्रिज्म इज बेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही हमने इसके अपर पार्ट पे लाइट रेज एस से इंसिडेंट करी तो ये बेंड हो जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एंड एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ वर्चुअल सोर्स S1। और जैसे ही इस रिफ्रैक्टेड रेज को हम आगे मिलाते हैं तो ये किस तरह से हमें दिखाई देती है कि ये किसी एक सोर्स से आ रही है, उसे हमने नाम दिया है S1। सिमिलरली व्हेन लाइट फॉल्स फ्रॉम एस ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ बाई प्रिज्म, इसके लोअर पोर्शन पे जैसे ही हमने रेज इंसिडेंट करी है तो अगेन ये बैंड हो जाती है और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमें यहाँ रिफ्रैक्टेड रेज का क्या बोलते हैं एक्स वाई स्क्रीन पर मिलती है। और इन रिफ्रैक्टेड रेज को जैसे ही हम आगे मिलाते हैं तो हमें अगेन ये दिखाई देता है कि ये रिफ्रैक्टेड रेज किसी एक सोर्स से आ रही है, तो उस पॉइंट को हमने नाम दिया है S2। और S2 यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करता है? इन वर्चुअल कोहरेंट सोर्स की तरह। सिमिलरली वेन हैशटैग सिमिलरली वेन लाइट फॉल्स फ्रॉम एस ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ बाई प्रिज्म इट्स बैंड एंड अपीयर्स टू कम्स फ्रॉम द वर्चुअल सोर्स S2। देयरफॉर S1 एंड S2 एक्ट्स एज टू वर्चुअल कोहरेंट लाइट सोर्सेज। ये दोनों किस तरह से बिहेव करते हैं कि ये वर्चुअल लाइट सोर्सेज है। एंड द कोहरेंट बीम डाइवर्जिंग फ्रॉम S1 S2 आर सुपरपोज। ये जो दोनों S1 और S2 सोर्सेज से जो लाइट आ रही है ये लाइट रेज सुपरपोज होकर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देती है यहाँ पे। सो S1 S2 आर सुपरपोज या सुपर इम्पोज एंड द इंटरफेरेंसेस फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इन द ओवरलैपिंग रीजन, जिसे मैंने ई और एच वाला रीजन नाम दिया है। इन रीजन ई एच इक्वल विथ की हमें फ्रिंजेस फाइंड आउट होती है। तो इन रीजन ई एच फ्रिंजेस हैव इक्वल विथ बट बियॉन्ड ई एंड एच फ्रिंजेस ऑफ लार्ज विथ प्रोड्यूस टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
बट हम ए से ऊपर की बात करें और एच से नीचे की ओर बात करें तो यहाँ पर हमें जो फ्रिंजेस है उसकी विड्थ लार्ज फाइंड आउट होती है। और ओ पॉइंट की बात करें तो ये समझ आ चुका था ना आपको कि जो ओ पॉइंट है S1 और S2 शॉर्ट से इक्वल डिस्टेंस पे, तो पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज फाइंड आउट होगी। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाय यूजिंग द फ्रेसनल बाय प्रिज्म कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तब तक आप इसको लिख लो अच्छे से, एक बार रिकॉल कर लो किस तरह से एस शॉर्ट से सिंगल शॉर्ट से हमने यहाँ पे टू वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेस को प्रोड्यूस किया है बाय यूजिंग द फ्रेसनल बाय प्रिज्म। थैंक यू।